भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा महिलाओं को लव जिहाद पर बनी फिल्म दी केरला स्टोरी दिखाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने सैकड़ों महिलाओं को मल्हार मेगा मॉल के थिएटर में फिल्म दी केरला स्टोरी दिखाई। महिलाएं हाथ में फिल्म का बैनर लेकर और जय श्री राम के नारे लगाते हुए फिल्म देखने पहुंची। लव जिहाद और आतंकवाद पर बनी फिल्म दी केरला स्टोरी के इंदौर में रिलीज होने के बाद से भाजपा और उसके सहयोगी संगठन अलग अलग सिनेमा घरों में इसके निशुल्क शोज आयोजित कर रहे हैं और महिलाओं को यह फिल्म दिखाने का जैसे अभियान छेड़े हुए हैं। इसी सिलसिले के तहत भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों ने हजारों महिलाओं को यह फिल्म दिखा दी है। इसी कड़ी में सोमवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने इंदौर के विजयनगर स्थित मल्हार मेगा मॉल के थिएटर में सैकड़ों महिलाओं को लव जिहाद पर आधारित फिल्म दी केरल स्टोरी दिखाई। दरअसल लव जिहाद के मुद्दे पर बनी दी केरला स्टोरी इन दिनों काफी चर्चा में है। जहां फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस पार कर गई है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन महिलाओं और अन्य लोगों को यह फिल्म निःशुल्क रूप से सिनेमा हॉल में लगातार दिखा रहे हैं। भाजपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रघु यादव ने भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे के निर्देश पर सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाओं को यह फिल्म दिखाई। इस दौरान महिलाओं ने हाथ में फिल्म का बैनर लेकर जय श्री राम और लव जिहाद से संबंधित नारेबाजी की। वहीं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महामंत्री राकेश सुमावत और जीतू कुशवाहा ने बताया कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं और युवतियों को इस फिल्म को दिखाकर जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेगा। क्या कहेंगे, काफी संख्या में नारी शक्ति है और नारेबाजी भी हो रही है। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। इसका विषय सबसे बड़ा ये है कि नारी शक्ति को जागृत करने हेतु लव जिहाद के खिलाफ हिंदू समाज जो जागरूकता आई है, उसका बहुत बड़ा कारण द केरला स्टोरी मूवी है, जिसके निर्माता निर्देशक ने वास्तविक जो घटना हिंदू समाज की लड़कियों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचकर इन्हें अपने वर्ग विशेष के लोग अपने जाल में फैलाकर फुसलाकर अपने ओर खींचते हैं और उनका शोषण कर उन्हें कई अन्य जगहों पर बेचकर उनके शरीर का व्यापार करते हैं। इसी जागरूक फिल्म समाज को जागरूक करने के लिए बनी है। हमारा संगठन पिछड़ा मोर्चा इंदौर महानगर ने भी इस फिल्म का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ महिला और बालिकाओं को मिले, जिससे कि उनमें जागरूकता आए। इसी के उद्देश्य से पूरे संगठन ने मिलकर यह फिल्म निःशुल्क दिखाने का प्रयास किया है। जीतू कुशवाहा, नगर महामंत्री, पिछड़ा वर्ग मोर्चा। आज का आयोजन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा रघु जी यादव और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नगर अध्यक्ष गौरव जी रंधीरे के नेतृत्व में इंदौर शहर की जितनी माता बहनें हैं, हम सभी ने एक प्रण लिया कि हमारी माता बहनों को जो अदर समुदाय के लोग जो बहला फुसला कर जो अन्याय करते हैं, उनके साथ जो पीड़ा होती है, उसके जागरूकता के लिए हमने ये फिल्म दिखाने का उनको निर्णय लिया। इस फिल्मों के माध्यम से जो अन्याय होता है उसको दिखाया जाए और माता बहनों को इसकी जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा माता बहनें इस फिल्म को देखें और जागरूक होए। कौन से क्षेत्र की महिलाएं? पूरे इंदौर शहर की ये माता बहनें हैं। हर विधानसभा से सभी माता बहनों को हम लेके आए हैं। राकेश सोमावत, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नगर मंत्री। सर, आज ये क्या उद्देश्य है और कहाँ से आए? आज इंदौर महानगर की संपूर्ण माता बहनों को मेगा मॉल में केरला स्टोरी फिल्म दिखाई जा रही है। इसका उद्देश्य जो केरल की जो रियलिटी है वो पूरे देश में ना फैले। जिस तरह से वहाँ पर माता बहनों को बरगलाकर षड्यंत्रकारी लोगों द्वारा, देश तोड़ने वाले लोगों द्वारा षड्यंत्र रचकर माता बहनों को हिंदू नाम रखकर उनसे दोस्ती की जाती है, फिर उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जाता है, तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने आज जो केरल स्टोरी फिल्म बनी है माता बहनों को दिखाकर कि जो सच्चाई है माता बहनें समझें, अपने परिवार में बताएं, बहनें समझें इसको,
और पूरा हिंदू समाज इससे जागृत है। किनके द्वारा दिखाई जा रही है? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा और नगर अध्यक्ष कोरे जी रणदीवे जी के नेतृत्व में पिछड़ा दिखाई जा रही है।